आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने यूरोप के देशों को रूसी गैस तक उनकी पहुंच को लेकर चिंता में डाल दिया है, जिस पर वे लंबे समय से निर्भर रहे हैं। इस संघर्ष ने ऊर्जा संसाधनों पर दबाव भी बढ़ा दिया है, जिससे तेल, गैस, कोयला और दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन यूक्रेन में चल रहे इस युद्ध से ऊर्जा आपूर्ति से कहीं ज्यादा कुछ प्रभावित हो सकता है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। खासकर कई मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी देशों में गेहूं की आपूर्ति श्रृंखला इससे बाधित हो सकती है। रूस दुनिया का शीर्ष गेहूं निर्यातक देश है और चीन और भारत के बाद सबसे बड़ा उत्पादक देश। यूक्रेन दुनिया भर के शीर्ष 5 गेहूं निर्यातक देशों में से एक है। कई मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी देशों के क्षेत्रीय आहार में गेहूं की अहम भूमिका है। इस कारण से ये देश इन निर्यातों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। मसलन लेबनान अपने गेहूं की जरूरतों का 60% यूक्रेन से आयात करता है। मिस्र दुनिया का शीर्ष गेहूं आयातक देश है, जिसका तकरीबन 70% गेहूं रूस और यूक्रेन से आता है। तुर्की के आधा गेहूं का आयात और ट्यूनिशिया के 80% अनाज भी इन्हीं दोनों देशों से आते हैं। इस समय यूक्रेन के कुछ ऐसे हिस्से रूसी सैनिकों की ओर से की जा रही गोलाबारी की चपेट में है, जो यूक्रेन के गेहूं उत्पादन और निर्यात में अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी कृषि विभाग USDA के मुताबिक यूक्रेन की ज्यादातर गेहूं की फसलें दक्षिण पूर्व में केंद्रित हैं। काला सागर तक पहुंच को अवरुद्ध कर देने से मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में गेहूं की आपूर्ति बाधित हो सकती है। यूक्रेन की गेहूं आपूर्ति श्रृंखला के लिहाज से काला सागर रणनीतिक अहमियत रखता है, क्योंकि मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र का गेहूं का निर्यात खास तौर पर समुद्र के रास्ते ही किया जाता है। जिस गेहूं का लोग इस समय कारोबार कर रहे हैं, वे जुलाई 2021 की फसल से किया गया था। यह फसल हमले से पहले की है। अगले 3 महीनों में करीब 1/4 फसल अब भी उपलब्ध है, लेकिन हकीकत यही है कि लोग इस समय इस बंदरगाह में काम नहीं कर सकते। इससे मिस्र और लेबनान जैसे देशों में गेहूं की कमी पैदा कर सकती है। इस युद्ध से मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा किस तरह प्रभावित होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि संघर्ष कितने समय तक चलता है। अगर यूक्रेन के किसान जुलाई 2022 तक गेहूं की फसल की खेती और कटाई नहीं कर पाते हैं, तो आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो जाएगी। लेकिन अगर वे ऐसा कर भी लेते हैं, तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि वे बंदरगाहों तक अनाज को ले जाने के लिए किसी बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल कर भी पाएंगे या नहीं। इस मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र के गरीब देशों के लिए गेहूं का बाजार मूल्य एक व्यवस्थागत समस्या बन सकता है। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले के बाद से यह मूल्य पहले ही 35% बढ़ चुका है। लेबनान के वित्त मंत्री ने इस हमले के बाद राइटर्स को बताया था कि नकदी की कमी से जूझ रहे लेबनान के पास बस 1 महीने का गेहूं का भंडार बचा है और वह विभिन्न देशों से वैकल्पिक आयात समझौतों की तलाश में है। तुर्की का कहना है कि उसे भी अभी अनाज की कमी इसलिए नहीं होगी, क्योंकि उसने पिछले साल अपने ज्यादातर हिस्से का आयात कर लिया था। लेकिन तुर्की ने बढ़ते कीमतों को देखते हुए गेहूं की खरीद में और कटौती करना शुरू कर दिया है। ट्यूनीशियाई सरकार ने कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को गेहूं के आयात पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से रोक लगा दी है। ये आयात इस देश के गेहूं के भंडार का तकरीबन 80% हिस्सा है। गेहूं के शीर्ष आयातक देश मिस्र के पास अब भी भंडार है, लेकिन वह पहले से ही अन्य देशों से आयात का विकल्प तलाश रहा है। इस हमले से सीरिया गेहूं की राशन व्यवस्था शुरू करने के लिए मजबूर है। इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध का उस यमन के लिए तबाही की शुरुआत कहा है, जो कि अनाज के आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है।
लोग गेहूं की इस बढ़ती कीमत को तुरंत इसलिए महसूस नहीं करेंगे क्योंकि कोई मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी देशों में सब्सिडी मौजूद है, लेकिन सरकारें किसी स्तर पर गेहूं से जुड़ी वस्तुओं को नियंत्रित कर सकती हैं या उसकी लागत को बढ़ाने की शुरुआत कर सकती हैं। इस तरह के कदमों से उन देशों में सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है जो पहले से ही आर्थिक तंगी का अनुभव कर रहे हैं, जहां मिस्र संभवत यूक्रेन में रूसी हमले के नतीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी देश है। वहीं बाकी उत्तरी अफ्रीकी देशों के लिए भी यह संकट एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। भूमध्य सागर तक पहुंच रखने वाले ये देश अन्य देशों से अनाज आयात करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन इस तरह के विकल्प रूस और यूक्रेन से होने वाले गेहूं के आयात की जगह पूरी तरह नहीं ले सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।